नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे करंट अफेयर्स के इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अनुज तोमर। और आज की इस वीडियो में जो कंप्लीट मार्च है, पूरे मार्च 2019 में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं वो एक साथ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हालांकि डेली करंट अफेयर्स में मैं डालता हूँ, वहाँ पर मैं आपको डिटेल से बताता हूँ सभी प्रश्नों को। और इसमें सभी प्रश्न एक साथ है, प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा है, 60 से भी ज़्यादा प्रश्न है। जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो इस वीडियो में मैंने बताए हैं। हालांकि पहले मैं आपको लगभग 8 से 12 प्रश्न डेली बताता हूँ, और लेकिन जो 60 प्रश्न इसमें हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो तो आपको मालूम होने ही चाहिए। और बाकी आप डेली करंट अफेयर्स देखते हैं, इसमें अधिकतर प्रश्न आपको पहले से आते होंगे, तो ज़्यादा मैं इसमें विस्तार से नहीं जाऊँगा, संक्षिप्त में हम इसे करेंगे। और इसका लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये 60% तो आपको करने ही करने हैं। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है, पहला प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच रक्षा संयोग के हिस्से के रूप में संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रति। देखिए, संयुक्त सैन्य अभ्यास है तो किन किन देशों के बीच में होता है ये आपको बताना है। तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है, ज़्यादा डिटेल से नहीं बताऊंगा, बस बाकी मैं डिटेल तो बताता रहता हूँ जब डेली करंट अफेयर्स बताता हूँ। तो संप्रति भारत और बांग्लादेश के बीच होता है, और इस 8वां सैन्य अभ्यास है भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रति। संप्रति का 8वां संस्करण हुआ है अभी, ठीक है। और हमारा दूसरा प्रश्न है कि आईसीसी द्वारा जारी की गई टेस्ट रैंकिंग में कौन सी क्रिकेट टीम पहली बार दूसरे स्थान पर पहुंची है, ठीक है। तो टेस्ट क्रिकेट रैंकिंग में दूसरे स्थान पर जो पहली बार पहुंची है वो है न्यूजीलैंड की टीम। और इससे पहले जो दूसरे नंबर पर थी वो साउथ अफ्रीका की टीम थी, और साउथ अफ्रीका दूसरे से तीसरे स्थान पर पहुंच गई है, और न्यूजीलैंड दूसरे स्थान पर आ गई है टेस्ट क्रिकेट रैंकिंग में। और हमारा तीसरा प्रश्न है कि रेल सूचना प्रणाली केंद्र के द्वारा यात्रियों के विकसित किए गए रेल दृष्टि डैशबोर्ड को किसने लॉन्च किया है। रेल दृष्टि क्या है, ये एक पोर्टल है, कह सकते हैं कि ये एक वेबसाइट है रेल दृष्टि के नाम से, आप इस पे जाकर जा सकते हैं गूगल पे, रेल दृष्टि। तो ये यात्रियों के लिए जो लॉन्च किया वो पीयूष गोयल ने किया, जो कि रेल मंत्री हैं। और ये इस साइट पे जाके आप किसी भी रेल गाड़ी के बारे में क्यों लेट हो रही है, क्या कारण है, कब आएगी, तो सब सारी जानकारी जो है किसी भी ट्रेन के बारे में मिल सकती है रेल दृष्टि से। और हमारा चौथा प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को APJ अब्दुल कलाम अवार्ड से सम्मानित किया है। तो जो ये जो शिवराज सिंह चौहान है किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो वो है मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं शिवराज चौहान, और वेंकैया नायडू जो उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने उनको APJ अब्दुल कलाम अवार्ड से सम्मानित किया है, शिवराज सिंह चौहान को, ठीक है। ये पूर्व मुख्यमंत्री, यदि हम बात करते हैं अब कौन है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो वह कमलनाथ, कमलनाथ, क्लियर। और कांग्रेस पार्टी से हैं, ये भी ध्यान रखिए, कांग्रेस पार्टी से। और हमारा पांचवा प्रश्न है कि सरकार ने वाइस एडमिरल करमबीर सिंह को किस सेना का नया प्रमुख नियुक्त किया है। अब करमबीर सिंह जो है, जो भारतीय नौसेना होती है, जो नेवी होती है, उसके एडमिरल के रूप में चुना गया है करमबीर सिंह को। ये इन्होंने सुनील लांबा को हटाया है, मतलब सुनील लांबा थे इससे पहले जो एडमिरल थे नौसेना के, अब इनको हटाकर करमबीर सिंह कर दिया गया है। 1980 में इन्होंने नेवी ज्वाइन की थी, 1982 में इनको जो पायलट होता है पायलट बनाया गया था 1982 में, 1980 में इन्होंने नेवी ज्वाइन की थी, और अभी 2019 में नौसेना प्रमुख एडमिरल बन गए हैं करमबीर सिंह, और सुनील लांबा को इन्होंने हटाया है, रिप्लेस किया है। और छठा प्रश्न हमारा कि परिवहन विभाग ने किस शहर में ओला की कैब सर्विस पर 6 महीने के लिए रोक लगा दी है। तो ओला कैब जो होती है उस पर बेंगलुरु में बैन लग गया है, और इसने यातायात के जो नियम होते हैं, ट्रैफिक नियम, उनका उल्लंघन किया था, इसीलिए कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में इस पर 6 महीने के लिए रोक लगा दी गई है ओला कैब पर। और सातवां प्रश्न है कि राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजरबायेव के सम्मान में किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रख दिया गया है। तो किस देश की के राष्ट्रपति हैं नूर सुल्तान, तो ये हैं कजाकिस्तान के, और इनकी राजधानी का नाम भी अब नूर सुल्तान हो गया है। इससे पहले क्या था, अस्ताना, कजाकिस्तान की राजधानी इससे पहले अस्ताना थी, लेकिन अब ध्यान रखना है अस्ताना नहीं है, नूर सुल्तान है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिए, कजाकिस्तान की राजधानी बदलकर अस्ताना से नूर सुल्तान हो गई है, वहां के राष्ट्रपति नूर सुल्तान के नाम पर। और हमारा आठवां प्रश्न है कि संयुक्त अरब अमीरात में हुए विशेष ओलंपिक विश्व ग्रीष्मकालीन खेलों में भारत ने कुल कितने मेडल जीते। तो जो अभी संयुक्त अरब अमीरात में विशेष ओलंपिक हुए थे, ये वो वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक नहीं है, ये विशेष ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हैं। तो इसमें भारत ने कुल कितने मेडल जीते थे, तो इसमें भारत ने कुल मिलाकर 368 मेडल जीते थे, और 368 में से 129 गोल्ड थे, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और नौवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रिकेटर, पूर्व क्रिकेटर के अभी क्रिकेटर हैं,
ने हाल ही में भाजपा में शामिल हो गए। तो कौन है जो भाजपा में शामिल हो गए, कौन से क्रिकेटर हैं? तो वह हैं गौतम गंभीर। देखिए इस वीडियो को मैं थोड़ा स्पीड हाई बनाऊंगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें से अधिकतर मैं पहले ही बना चुका हूँ, जो डेली करंट अफेयर्स होती है, और उसमें मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। यहाँ थोड़ा मैं संक्षिप्त में बताऊंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, बस आपके रिवीजन के लिए, रिवाइज के लिए, ताकि एक महीने के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो एक साथ हो जाए, इसीलिए ये वीडियो बनाई जा रही है। और हमारा 10वां प्रश्न है कि दुनिया के खुशहाल देशों की रैंकिंग में भारत सात पायदान नीचे खिसक कर कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तो खुशहाली रैंकिंग के अनुसार भारत की जो अब वर्तमान में रैंकिंग है वो है 140, इससे पहले 133 थी, अब 7 अंक नीचे खिसक गई है। पाकिस्तान भारत से ज़्यादा खुशहाल है, और जो नंबर वन पे है वो है फिनलैंड। पिछली बार भी नंबर वन पर रहा था फिनलैंड, और इस बार भी नंबर वन पर है। तो लगातार 2 वर्षों से फिनलैंड जो है वो नंबर वन पर है। भारत पिछली बार 133 पे था, लेकिन इस बार 140 हो गया है। और हमारा 11वां प्रश्न है कि बांग्लादेश नेवी के संस्थापक कैप्टन MN सामंत का हाल ही में कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो बांग्लादेश नेवी के संस्थापक थे कैप्टन MN सामंत, और जब ये 1971 का युद्ध हुआ था तब इन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी एक नेवी के कैप्टन के रूप में, और इनका जो अभी निधन हो गया है वो 89 वर्ष की आयु में हो गया है। तो कैप्टन MN सामंत। और हमारा 12वां प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र की कौन सी इकाई ने वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की है? वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट जो जारी की गई है वो यूनेस्को के द्वारा की गई है, और इसमें बताया है कि लगभग 2 बिलियन लोग अशुद्ध पानी पीने पर मजबूर हो रहे हैं। तो ये जो वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट है ये यूनेस्को के द्वारा जारी की गई। यूनेस्को क्या है? ये संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसी की एक इकाई है यूनेस्को। और हमारा 13वां प्रश्न है कि किस देश में हाल ही में 2 मस्जिदों में हुए हमले के बाद देश में हथियारों की बिक्री पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो हम सभी जानते हैं कि अभी न्यूजीलैंड में हादसा हुआ था मस्जिद में, तो इसी बात को देखते हुए न्यूजीलैंड में हथियारों की जो बिक्री थी उस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, कहाँ पे? न्यूजीलैंड में। और हमारा 14वां प्रश्न है कि हाल ही में किस अमीर व्यक्ति की नेटवर्थ 20 साल बाद फिर से $100 अरब हो गई है? तो 100 अरब डॉलर की संपत्ति फिर से हो गई है, वो बिल गेट्स के पास हो गई है। तो इससे पहले इनकी जो संपत्ति थी वो 92 अरब डॉलर थी, लेकिन अब फिर से $1,000 हो गई है, 100 अरब डॉलर हो गई है। ये नंबर दो के अमीर व्यक्ति हैं। नंबर वन पे है जेफ बेजोस, जो कि अमेजोन के संस्थापक हैं, और जो बिल गेट्स हैं वो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं, और माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक हैं पॉल एलन। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, संस्थापक तो बिल गेट्स हैं लेकिन सह संस्थापक पॉल एलन है, और जेफ बेजोस ये अमेजोन के संस्थापक हैं, अमेजोन जो कंपनी है उसके संस्थापक हैं जेफ बेजोस, नंबर वन व्यक्ति हैं ये। और 15वां प्रश्न है कि भारतीय मूल के सिख नेता जगमीत सिंह का हाल ही में कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन में हिस्सा लेने वाले अश्वेत नेता बने हैं। तो पहले अश्वेत नेता बने हैं ये, पहले हाउस ऑफ कॉमन, जो लोकसभा होती है, जिस तरीके से भारत में लोकसभा होती है उसी तरीके से जो पार्लियामेंट होता है उसमें हाउस ऑफ कॉमन बोलते हैं उसे, तो उसी के सदस्य बनने वाले पहले अश्वेत हैं ये जगमीत सिंह। ठीक है, कनाडा का जो पार्लियामेंट है, कनाडा में पार्लियामेंट बोलते हैं जैसे कि भारत में संसद बोलते हैं, कनाडा में पार्लियामेंट बोलते हैं, इंग्लैंड में भी पार्लियामेंट बोलते हैं, हालांकि जी अमेरिका में कांग्रेस बोलते हैं, भारत में संसद बोलते हैं। तो जगमीत सिंह पहले हैं। और हमारा 16वां प्रश्न है कि बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए नोकिया और किस कंपनी ने अपना पहला स्मार्टफोन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो अब नोकिया जो है वो BSNL के साथ मिलकर, BSNL भारतीय संचार निगम लिमिटेड, इसके साथ मिलकर एक स्मार्टफोन लॉन्च करेगा। तो नोकिया किसके साथ मिलकर? BSNL के साथ मिलकर। और हमारा 17वां प्रश्न है कि मनोहर पारिकर के निधन के बाद हाल ही में किसे मुख्यमंत्री के सॉरी गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाएगा? मनोहर पारिकर का निधन हो गया था, तो मनोहर पारिकर के बाद जो प्रमोद सावंत हैं इनको गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, प्रमोद सावंत को। और हमारा 18वां प्रश्न है कि भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में किसके साथ मिलकर कार्डलेस निकासी की सर्विस लॉन्च की है? अब देखिए स्टेट बैंक कार्डलेस मतलब आप बिगैर आप ATM कार्ड के भी कैश निकाल सकते हैं ATM से, तो ये किसके साथ मिलकर की है? तो ये किए योनो कैश के साथ मिलकर, योनो कैश एप्लीकेशन है, इसके साथ मिलकर कार्डलेस निकासी की सर्विस लॉन्च की है। भारत के लगभग 16,500 जो ATM उसमें ये सेवा शुरू कर दी गई है स्टेट बैंक के द्वारा। ठीक है, यही हो सकता है कि किस बैंक ने योनो कैश के साथ मिलकर कार्डलेस निकासी की सर्विस जो है लॉन्च की है, तो वो किस बैंक ने की है? स्टेट बैंक। तो स्टेट बैंक और योनो कैश इन दोनों ने मिलकर ये की है। और हमारा 19वां प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को हाल ही में देश का पहला लोकपाल बनने की घोषणा किया जा सकता है, मतलब किसको देश का पहला लोकपाल
बनाया जा सकता है, बना दिया जा सकता नहीं, बना दिया गया है, ठीक है, बना दिया गया है। तो वो किसको बना दिया गया है? तो बना दिया गया है जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष को। ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रह चुके हैं, पिनाकी चंद्र घोष, ठीक है। तो ये इनको लोकपाल बनाया गया। लोकपाल आप सभी जानते होंगे, लोकपाल का जो मतलब ये जो नाम बनाया था लोकपाल, सबसे पहले अन्ना हजारे के द्वारा बनाया गया था। अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था लगभग 2014-15 में, तो तभी से ही ये, लेकिन अब लगभग इसे 5 साल बन गए हैं, लग गए हैं लागू होने में। और हमारा 20वां प्रश्न है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंज्यूमर गुड्स कंपनी डैश ने नितिन परांजपे को CEO नियुक्त किया है। तो जो नितिन परांजपे हैं वो किस कंपनी के CEO हैं? तो वो हैं यूनिलीवर के। यूनिलीवर दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी कंज्यूमर गुड्स कंपनी है। नंबर वन की बात करते हैं तो वह है नेस्ले। नेस्ले दूसरे नंबर पर है यूनिलीवर। और हमारा 21वां प्रश्न है कि हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार लीलाधर जगुड़ी को किस काव्य संग्रह के लिए व्यास सम्मान दिया जाएगा? तो लीलाधर जगुड़ी जो है इनको व्यास सम्मान, देखिए व्यास सम्मान जो है हर वर्ष दिया जाता है, जो भारतीय अलग अलग भाषाएं हैं उनके उनमें राइटरों को और कवियों को दिया जाता है। तो जो लीलाधर जगुड़ी को मिला है वो मिला है जितने लोग उतने प्रेम, ये इनकी काव्य है लीलाधर जगुड़ी का, तो इसी के लिए इनको व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है 2019 में। और हमारा 22वां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो जारी करते हुए कौन सी मुहिम की शुरुआत की है? देखिए आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है ये, और नरेंद्र मोदी की एक वीडियो जिसमें मतलब इस तरीके से उसका जो जिक्र है वो है मैं भी चौकीदार हूँ, मैं भी चौकीदार हूँ। तो ये वीडियो बहुत वायरल हो रही है नरेंद्र मोदी की। और हमारा 23वां प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका के किस ऑलराउंडर ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी जिनका नाम है जेपी डुमिनी 2019 में इन्होंने संन्यास ले लिया है, और जो इन्होंने अपनी शुरुआत की थी अपने करियर की वो 2004 में की थी श्रीलंका के खिलाफ, ठीक है। तो ये जो जेपी डुमिनी है ये संन्यास ले रहे हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि बांग्लादेश और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रति हाल ही में संपन्न हुआ है? देखिए इसमें थोड़ी टाइपिंग में प्रॉब्लम हो गई है, तो देखिए ये क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, आप मुझे बताएंगे, क्योंकि जो पहला दूसरा प्रश्न था ये बिल्कुल यही था। तो बताना ये है कि संप्रति जो सैन्य अभ्यास है वो किन किन देशों के बीच होता है? एक तो बांग्लादेश हो गया और दूसरा भारत हो गया, ऐसे बताने की भले क्या बात है, ठीक है। तो संप्रति जो है भारत और बांग्लादेश के बीच होता है ना। और 25वां प्रश्न है कि ब्रिटेन ने दुनिया के किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक के सम्मान में ब्लैक होल सिक्का जारी किया है? तो ब्रिटेन ने जो स्टीफन हॉकिंस थे इन्हीं की याद में, इन्हीं के सम्मान में ब्लैक होल सिक्का जारी किया है। ब्लैक होल से संबंधित थ्योरी दी थी ना इन्होंने, जो स्टीफन हॉकिंस हैं इन्होंने ब्लैक होल की ही थ्योरी दी थी, तो इसीलिए उनके सम्मान में ब्लैक होल सिक्का चलाया है ब्रिटेन ने। और 26वां प्रश्न है कि BCCI ने किस क्रिकेट खिलाड़ी पर लगे आजीवन प्रतिबंध को रद्द कर दिया है? तो अभी एक क्रिकेटर थे जिनका नाम है श्रीसंत, उन पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब इन पर प्रतिबंध, आजीवन प्रतिबंध हटा दिया गया है, हालांकि इनको क्लीन चिट नहीं मिली, इन पर दोबारा से सुनवाई होगी, लेकिन जो आजीवन प्रतिबंध लगा था वो हट गया है श्रीसंत पर। और हमारा 27वां प्रश्न है कि चेन्नई में स्थित ज्योग्राफिक इंडिकेशन मतलब जो GI टैग होता है राष्ट्रीय ने किस राज्य की में उत्पादित शीर्षी सुपारी, जो शीर्षी सुपारी है उसको GI टैग प्रदान किया गया है? तो ये कहाँ पे उगाई जाती है जो शीर्षी सुपारी है, ठीक है। तो ये जो शीर्षी सुपारी उगाई जाती है वो कर्नाटक में उगाई जाती है। अब देखिए चेन्नई क्या है, जो ये GI टैग संकेत जो प्रदान करता है ना, वो इसका जो रजिस्ट्री ऑफिस है वो चेन्नई में है, इसलिए यहाँ पे चेन्नई आ गया है। तो कर्नाटक में उगाई जाती है शीर्षी सुपारी, और भी बहुत सारे हैं मैं आपको बता चुका हूँ, आपको मालूम भी होंगे। और हमारा 28वां प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के विकास कार्य के लिए वन क्षेत्रों में पेड़ों को काटने पर रोक लगा दी है? तो पेड़ों को काटना बिल्कुल मतलब अवैध घोषित कर दिया, तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया, हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। और हमारा 29वां प्रश्न है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक किस कंपनी ने पिछले वर्ष गुमराह करने वाले 2.3 अरब विज्ञापनों पर रोक लगा दी है? तो वो है गूगल। गूगल देखिए, गूगल किसी भी प्रकार के ऐसे विज्ञापन नहीं करता, जैसे कि क्लब वगैरह होते हैं, कैजिनो वगैरह होते हैं, उनके विज्ञापन कभी भी नहीं करता है गूगल। तो जो ऐसे मतलब ऐसे ऐड होते हैं, जो ऐसे मतलब एडवर्टाइजमेंट होते हैं जो किसी को गुमराह करें, ऐसे एडवर्टाइजों को गूगल कभी नहीं दिखाता अपने यूट्यूब पे हो, चाहे फिर फेसबुक पे हो, चाहे कहीं भी हो, गूगल एडसेंस कभी भी ऐसे विज्ञापन नहीं दिखाता। तो लगभग 2.3 अरब विज्ञापनों पर रोक लगा दी है गूगल ने।
और तीसवां प्रश्न है कि ऑर्कुट और गूगल प्लस के बाद गूगल ने अपनी कौन सी तीसरी सेवा को भी बंद करने की घोषणा की है। ऑर्कुट क्या है, ये भी एक तरीके से व्हाट्सएप की तरह होता है ऑर्कुट, ये ऑर्कुट भी, और गूगल प्लस क्या है, ये भी एक जीमेल की तरह गूगल प्लस होता है। और इसके बाद इसने अलो ऐप, अलो ऐप क्या है, ये एक वीडियो मतलब वीडियो कॉलिंग वाली ऐप है अलो ऐप, तो इसको भी बंद करने की घोषणा की है गूगल ने। और हमारा 31वां प्रश्न है कि ESPN के द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के जो 100 प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं ना, इसमें भारत के कितने खिलाड़ी हैं, इसमें भारत के कितने खिलाड़ियों को स्थान मिला है दुनिया के टॉप 100 प्रसिद्ध खिलाड़ियों में, तो उसमें भारत के 9 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, भारत के 9 खिलाड़ी हैं। यदि हम बात करते हैं कि इसमें जो विराट कोहली है वो कौन से स्थान पर है, तो विराट कोहली है इसमें 7वें स्थान पर, जो दुनिया के सबसे प्रसिद्ध 100 खिलाड़ी हैं। और जो महेंद्र सिंह धोनी है इसमें इनका स्थान जो है 13वां है, महेंद्र सिंह धोनी का, विराट कोहली का पहला है। और यदि हम बात करते हैं कि इसमें नंबर वन कौन है, तो नंबर वन है रोनाल्डो, ठीक है, रोनाल्डो इसमें नंबर वन है, और महेंद्र सिंह धोनी 13वें स्थान पर है और विराट कोहली 7वें स्थान पर है, तो भारतीय कुल मिलाकर 9 खिलाड़ी इसमें शामिल है। और हमारा 32वां प्रश्न है कि वर्ष 2022 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप किस देश में होगा, इस वर्ल्ड कप में 48 टीम शामिल हो सकती हैं। आप देखिए जो 2022 का फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है वो कतर में होगा और इसमें 48 टीमें भाग लेंगी लगभग, और इससे पहले जो रूस में हुआ था फीफा वर्ल्ड कप उसमें 32 टीमों ने भाग लिया था, और इसमें कितने लेंगी, इसमें 48 टीम भाग लेंगी, ठीक। और 33वां प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में इटुक्की जिले में मिलने वाले मरयूर गुड़ को भौगोलिक संकेत मतलब GI टैग मिला है, तो मरयूर गुड़ जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, किस राज्य में। अब देखिए इटुक्की, इटुक्की बांध का नाम आपने सुना होगा, इटुक्की बांध ये पेरियार नदी पर बना हुआ, पेरियार, और पेरियार नदी कहाँ पे है, वो केरल में है, तो सीधी सी बात है जो मरयूर गुड़ है वो केरल में पाया जाता है, तो इटुक्की बांध से ध्यान रख सकते हैं आप, इटुक्की बांध कहाँ पे है, इटुक्की बांध जो है पेरियार नदी पर है, पेरियार कहाँ पे, केरल में। और नेक्स्ट है कि SIPRI की रिपोर्ट के मुताबिक भारत विश्व में कौन से स्थान, मतलब कौन सी रैंकिंग है भारत की हथियार आयात करने में, मतलब जो भारत अलग अलग देशों से अपने हथियार आयात करता है, बाहर से हथियार मंगाता है, तो इसमें भारत जो है वो दूसरे स्थान पर है, ठीक है, दूसरे स्थान पर भारत सबसे ज़्यादा हथियार खरीदता है अन्य देशों से। और हमारा 35वां प्रश्न है कि फ्रांस के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी को 10 महीने बाद दोबारा कोच बनाया गया है, तो किसको बनाया गया है, फ्रांस की फुटबॉल टीम का कोच के रूप में बनाया गया है जिनेदिन जिदान को, जिनेदिन जिदान, ठीक है, ये फ्रांस के फुटबॉल के कोच बनाया गया है। और 36वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में वर्ष 2019 में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की, तो वो रामनाथ कोविंद के द्वारा की गई थी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा पल्स पोलियो रविवार, और इसमें जो 5 साल तक के बच्चे हैं उनको पोलियो की खुराक पिलाई गई। और 37वां प्रश्न है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस अभिनेता व डांसर को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो यह है प्रभु देवा, साउथ इंडियन फिल्मों में ये डायरेक्टर भी हैं अभिनेता भी हैं, तो इन्हीं को जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं उन्होंने पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है प्रभु देवा को। और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि जापान की कितने वर्षीय महिला को दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति के रूप में सम्मानित किया गया है, तो ये जो सबसे बुजुर्ग महिला हैं इनका नाम है केन तनाका, इनकी आयु जो है वर्तमान में 116 वर्ष है, और दुनिया की सबसे अधिक जीवित रहने वाली बुजुर्ग हैं ये केन तनाका, 116 वर्ष की आयु में भी जिंदा है। और 40वां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कितने रुपए का सिक्का जारी किया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 20 रुपए का नया सिक्का जारी किया, साथ में 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए का सिक्का भी जारी किया है, तो 20 रुपए का नया सिक्का जारी हुआ, क्योंकि 20 रुपए का इससे पहले सिक्का नहीं होता था। और नेक्स्ट है कि सोशल मीडिया के द्वारा सामाजिक सुधारों को प्रेरित करने वाली 30 महिलाओं को किसने वेब वंडर वुमेन पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो वेब वंडर वुमेन से सम्मानित किया गया है ये मेनका गांधी ने किया है, जो 30 महिलाएं थी जो मतलब सोशल मीडिया के द्वारा समाज सुधार कर रही थी, तो इन्हीं को वेब वंडर वुमेन से सम्मानित किया है मेनका गांधी ने। और नेक्स्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में सार्वजनिक स्थानों से राजनीतिक दलों के पोस्टर बैनर हटवाने का निर्देश दिया है, तो वो किसने दिया है, मतलब किस
किस राज्य के लिए? तो वो तमिलनाडु के लिए, कि तमिलनाडु में जितने भी सार्वजनिक स्थान है वहाँ से राजनीतिक जो पोस्टर हैं वो हटा दिए जाएं तमिलनाडु से। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WWIFFI मतलब कि वर्ल्ड, W का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड और I का मतलब होता है एजुकेटिंग फॉर फ्यूचर इंडेक्स, वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग द फ्यूचर इंडेक्स। तो इसके मतलब इसकी रिपोर्ट के द्वारा जो सबसे कम आय वाली अर्थव्यवस्था की सूची में भारत कौन से स्थान पर है? तो जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो कौन से नंबर की अर्थव्यवस्था है? तो भारत की अर्थव्यवस्था है चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था, ठीक है, चौथे नंबर की। और नेक्स्ट है कि हाल ही में किसके द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में हर वर्ष करीब 70 लाख लोगों की मृत्यु जो होती है वो वायु प्रदूषण के कारण होती है? तो ये जो रिपोर्ट जारी की है वो किसके द्वारा की गई है? तो वो यूनाइटेड नेशन के द्वारा की गई है, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा की गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रति वर्ष 70 लाख लोगों की मृत्यु सिर्फ वायु प्रदूषण के कारण हो जाती है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी पढ़ना सीखने में मदद करने के लिए किस कंपनी ने बोलो ऐप लॉन्च किया है? तो बोलो ऐप लॉन्च किया गया है ये गूगल के द्वारा किया गया है, ठीक है, गूगल के द्वारा, जाके बच्चे जो हैं वो हिंदी और इंग्लिश आसानी से सीख सकें, इसीलिए गूगल ने बोलो ऐप लॉन्च किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का कौन सा शहर दुनिया के सबसे महंगे आवासीय शहरों में 16वें स्थान पर है? तो भारत का शहर है मुंबई, ये 16वें स्थान पर आता है दुनिया के सबसे महंगे शहरों में। और जैसे कि दुनिया के सबसे जो महंगे शहर है उसमें हांगकांग आता है और फ्रांस आता है, तो ये जो कुछ प्रमुख शहर हैं जो सबसे बड़े बड़े हैं। तो जो भारत का जो सबसे महंगा शहर है रहने के लिहाज से, देखिए आवासीय शहरों के बारे में हम बात हो रही है, जो रहने के लिहाज से तो सबसे जो महंगा है मुंबई है। और नेक्स्ट है कि अपनी व्यक्तिगत बचत में से किसने कुंभ सफाई कर्मचारियों में 21 लाख रुपये दान किए हैं? अब देखिए नरेंद्र मोदी जो हैं, इन्होंने जो कुंभ में सफाई कर्मचारी थे उनको 21 लाख रुपए दान किए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी बचत में से, इनमें इन्होंने सरकार के खाते में से नहीं दिए बल्कि अपनी जो व्यक्तिगत अपनी पर्सनल बचत है उसमें से नरेंद्र मोदी ने 21 लाख रुपए दान किए जो कुंभ में जिन्होंने सफाई की थी। और नेक्स्ट है कि रिकी पॉन्डिंग का रिकॉर्ड तोड़ते हुए किस खिलाड़ी ने हाल ही में सबसे कम पारियों में 9,000 रन पूरे किए हैं? तो जो विराट कोहली हैं उन्होंने कुल मिला के 204 पारियों में ही 9,000 रन पूरे कर दिए हैं और रिकी पॉन्डिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया। रिकी पॉन्डिंग कौन है? ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे, रिकी पॉन्डिंग ऑस्ट्रेलिया के एक लीजेंड क्रिकेटर थे, जैसे भारत के सचिन तेंदुलकर हैं उसी तरीके से, और इनका रिकॉर्ड तोड़ के विराट कोहली ने 9,000 रन सबसे पहले पूरे कर लिए हैं। और नेक्स्ट है कि फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई दुनिया के अरबपतियों की सूची में भारत के मुकेश अंबानी 6 पायदान उछलकर कौन से स्थान पर पहुंच गए हैं? तो मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर अरबपतियों के में की लिस्ट में 13वें स्थान पर हैं। नंबर वन स्थान पे कौन है? ये अमेजोन के संस्थापक जो हैं जेफ बेजोस, और दूसरे स्थान पर कौन है? बिल गेट्स, और जो भारत के मुकेश अंबानी हैं वो 13वें स्थान पर हैं। और 50 माह की स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में भारत के किस शहर ने तीसरी बार, लगातार तीसरी बार पहला स्थान हासिल किया है स्वच्छता के आधार पर, ठीक है? तो सबसे जो स्वच्छ शहर है लगातार 3 सालों से नंबर वन पे है वो है इंदौर, मध्य प्रदेश में इंदौर। तो ये लगातार 3 वर्षों से सबसे स्वच्छ शहर बनता रहा है इंदौर। और नेक्स्ट है कि एबी डिविलियर्स के बाद किस दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी ने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है? दक्षिण अफ्रीका के जो एबी डिविलियर्स हैं इनके बाद जो इमरान ताहिर हैं इन्होंने भी संन्यास लेने की घोषणा की है, इमरान ताहिर ने, ठीक, इमरान ताहिर। और नेक्स्ट है कि प्रदूषण से जुड़ी एक रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है? तो दुनिया का सबसे जो प्रदूषित शहर है वो गुरुग्राम को बताया गया है। गुरुग्राम जिसे गुड़गांव बोलते थे पहले, गुड़गांव ये हरियाणा का एक शहर है, गुरुग्राम इसका नाम, अभी गुरुग्राम हुआ था पहले गुड़गांव था। तो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया। दुनिया का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, सॉरी भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो वो इंदौर है। और नेक्स्ट है कि IAAF इसका मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन, इसकी फुल फॉर्म है, के द्वारा जारी की गई वर्ल्ड रैंकिंग में कौन सा भारतीय एथलीट टॉप 10 में भारत में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय है?
तो इसकी जो टॉप 10 लिस्ट है, इसमें 100 खिलाड़ियों को रखा गया है, उसमें भारत के एकमात्र है वो है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा क्या खेलते हैं, ये भाला फेंकते हैं, जो जेवलिन थ्रो गेम है भाला फेंकना उसके खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा। और जो इसमें भाला फेंका जाता है जेवलिन थ्रो में, भाले का जो वजन होता है वो 800 ग्राम होता है, ठीक है, तो 800 ग्राम वजन होता है लड़कों के लिए, और लड़कियों के लिए 600 ग्राम होता है। और नेक्स्ट है कि भारतीय क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी ने हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे कम पारियों में 22 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो ये बनाया है विराट कोहली ने। विराट कोहली ऐसे काम कर सकते हैं। और जो ये रन बनाए हैं 22 रन, उन्होंने मात्र 67 पारियों में बनाए हैं, 67 पारियों में बनाए हैं। और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि किस कंपनी ने हाल ही में अपना खुद का क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, तो अभी अपना क्रेडिट कार्ड जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये लॉन्च किया गया है एप्पल के द्वारा, और इस कार्ड का नाम है एप्पल कार्ड, एप्पल कार्ड। और हमारा 56वां प्रश्न है कि भारत में उपभोक्ताओं का ध्यान देने के मामले में कौन सा ब्रांड भारत में नंबर 1 है, तो जो उपभोक्ताओं को सबसे ज्यादा ध्यान देता है उपभोक्ताओं पे, तो पहले नंबर पे है सैमसंग, दूसरे नंबर पे है टाटा, तीसरे नंबर पे है हीरो मोटर कॉर्प, चौथे नंबर पे एप्पल और 5वें नंबर पे है नाइक। तो ये 5 कंपनी हैं जो सबसे ज्यादा अपने उपभोक्ताओं पर ध्यान देती हैं, तो सबसे नंबर 1 पे है सैमसंग। और हमारा 57वां प्रश्न है कि हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार, मतलब एक जो टॉप एशियन रिच लिस्ट है उसमें उद्योगपति में हिंदुजा फैमिली लगातार कौन सी बार पहले स्थान पर रही है, तो हिंदुजा जो एशिया महाद्वीप है उसके रिच फैमिली हैं उसमें लगातार छठी बार नंबर 1 पे रहा है हिंदुजा, ठीक है, हिंदुजा फैमिली। और जो अशोक लीलैंड नाम से कारों का उत्पादन करती है अशोक लीलैंड, वो हिंदुजा फैमिली ही करती है, ठीक है, जो अशोक लीलैंड नाम से कारें भी होती हैं, ट्रक भी होते हैं बड़े बड़े। और हमारा 58वां प्रश्न है कि मुंबई के जियो गार्डन में आयोजित 64वें फिल्म फेयर अवार्ड 2019 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का खिताब दिया गया है, तो फिल्म फेयर जो 64वें फिल्म फेयर है 2019 में, उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है राजी और अंधाधुंध, इन दो फिल्मों को, राजी और अंधाधुंध। यदि हम बात करते हैं कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है इसमें, तो मिला है रणवीर कपूर को, रणवीर कपूर फिल्म संजू के लिए, रणवीर कपूर को फिल्म संजू के लिए। और यदि हम बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है, तो वो मिला है आलिया भट्ट को, ठीक है, आलिया भट्ट को फिल्म राजी के लिए, राजी, और राजी को बेस्ट फिल्म का भी अवार्ड मिला, ध्यान दीजिए। अंधाधुंध ये मूवी है आयुष्मान खुराना की, उसमें इनकी आंखें खराब होती हैं। और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि चीन के वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट के साथ जुड़ने वाला G7 का पहला देश कौन सा है। अब देखिए वन बेल्ट वन रोड मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ क्या है, तो चीन की एक योजना है जिसमें ये यूरोप, अमेरिका और एशिया तीनों जो महाद्वीप हैं उनको एक रोड से जोड़ने वाला है, एक सड़क से जोड़ने वाला है, तो वो प्रोजेक्ट है चीन का, इसे बोलते हैं वन बेल्ट वन रोड। और इसमें जो G7 कंट्री हैं उनमें शामिल होने वाला पहला देश है इटली, ठीक है, इटली। और हमारा 60वां प्रश्न है कि हैशटैग मीटू की तरह किस देश की महिलाओं ने हाई हील्स के विरोध में हैशटैग कूटू अभियान चलाया है। हैशटैग मीटू से तो आप सभी परिचित होंगे, तो हैशटैग कूटू देख लीजिए है क्या वास्तव में, तो ये पहले बात तो जापान की महिलाओं के द्वारा चलाया गया है। हैशटैग कूटू क्या है कि जो जापान की ऑफिस में महिलाएं काम करती हैं तो उनके लिए एक ड्रेस कोड है, जैसे कि ड्रेस कोड ऑफिस में काम करने वाले हर व्यक्ति हर महिला के लिए होता है ड्रेस कोड, तो उसी तरीके से जापान की महिलाओं के लिए भी एक ड्रेस कोड है जिसमें जो हाई हील्स होती है, जो ऊंची एड़ी वाली सैंडल होती है, वो कंपल्सरी है, वो अनिवार्य है, तो उसी के विरोध में ये अभियान चलाया गया है जिसका नाम है #कोटू, तो ठीक है, ये जापान के द्वारा चलाया गया है। तो ये 60 ही प्रश्न थे जो मोस्ट इंपोर्टेंट बन रहे थे मार्च के महीने में से, तो इन्हें तो आप जरूर कर लेना, बाकी ये डेली करंट अफेयर्स भी आपको मिलती रहती है। तो और इस पूरी PDF, इस पूरे 60 प्रश्नों का PDF आपको मिलेगा 2 मार्च 2 अप्रैल को, ठीक है, 2 अप्रैल को आपको व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगा, 2 अप्रैल की जो करंट अफेयर्स होगी ना उसमें मैं लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अभी कुछ ही कमी रह गई है, बाकी मैं इसको सुधार के आपको PDF जो आपको PDF वो प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि कोई भी कमी ना रहे PDF में, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, देखिए बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए एक बार, ताकि जो हमारी मेहनत है वो वसूल सी हो जाए। और सब्सक्राइब तो आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को कर ही लिया होगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही था, देखने के लिए धन्यवाद।